Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी मैं आपकी इंग्लिश को सर्टनली इंप्रूव करने वाला हूँ. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने में. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. पहली बात यह है, बोलने में तुम्हारा क्या जाता है. जैसे हमें कहना है, बोलने में तुम्हारा क्या जाता है, ये खा लेने में क्या चला जाएगा, ऐसा कह देने में क्या चला जाएगा. इसको कह सकते हैं What will you lose if you say that? What will you lose if you say that? यानी अगर तुम ऐसा कह दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, बोलने में क्या जाता है. What will you lose if you say that? अगर थोड़ा सा खा लोगे तो तुम्हारा क्या जाता है. What will you lose if you eat a little? What will you lose if you eat a little? थोड़ा सा खा लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा. एक बार उससे प्यार से बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा. What will you lose if you once talk to him politely? If you talk to him politely just for once, what will you lose? क्या लूज कर दोगे, क्या चला जाएगा. It's actually first conditional कि क्या होगा अगर ऐसा होगा तो. तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं. जैसे दूसरा स्ट्रक्चर है, हमें कहना है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको मिस ना किया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने अपने काम पर फोकस ना किया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने ये मूवी ना देखी हो, मुझे बड़ी पसंद आ गई मूवी. तो जब ऐसे हमें कहना हो एक भी दिन ऐसा नहीं गया, हम कहेंगे No such a day passed. No such a day passed when I didn't miss you. ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने आपको ना मिस किया हो. No such a day passed when I didn't miss you. ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने अपने काम पे फोकस ना किया हो. No such a day passed when I didn't focus on my work. ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैं उससे मिलने ना गया हूँ. No such a day passed when I didn't go to meet him. इस तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं. दूसरा सेंटेंस है, क्या लगा तुम्हारे हाथ, क्या लगा है अब तुम्हारे हाथ. What are you left with now? What are you left with now? जैसे मुझे कहना है मुझे तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगा. I was left with regrets. I was left with just regrets. बस मेरे पास तो regrets ही बचे थे और कुछ नहीं. I was left with regrets. क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं. Do you even know what they say about you behind your back? Behind your back. यानी तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या क्या कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है. क्या तुम्हें पता भी है कि उसने क्या क्या किया है तुम्हारी पीठ पीछे. डू यू इवन नो वॉट ऑल शी हैज डन बिहाइंड योर बैक. तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या क्या करता है. डू यू इवन नो वॉट ऑल ही डज बिहाइंड योर बैक. डू यू इवन नो वॉट ऑल ही डज बिहाइंड योर बैक. क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है. डू यू इवन नो वॉट शी इज अप टू बिहाइंड योर बैक. तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज ऐसी बातों में, वो क्या गुल खिला रही है. कहने का मतलब यही होता है ना कि उसके दिमाग में क्या पक रहा है, वो क्या कर रही है. वॉट शी इज अप टू. डू यू इवन नो वॉट शी इज अप टू बिहाइंड योर बैक. तुम्हें पता है वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही है. या हम कह सकते हैं डू यू इवन नो वॉट काइंड ऑफ ट्रबल शी इज प्लानिंग टू कॉज. तुम्हें पता भी है किस तरह के ट्रबल को वो अंजाम देने की कोशिश कर रही है. डू यू इवन नो दैट. ऐसे आप कह सकते हैं वो तो सिर्फ नाटक कर रही है. She is merely pretending. She is merely pretending. Merely मतलब सिर्फ इतनी सी बात है. She is merely pretending. जैसे ये सिर्फ घर ही नहीं, मेरी भावनाएं इससे जुड़ी हैं. This is not merely a house. My emotions are attached to it. My emotions are attached to it. It is not merely a house. ये सिर्फ एक घर नहीं है. मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे भूख लगी है. I merely said that I was hungry. मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे भूख लगी है. आई मेयरली सेड दैट आई वॉज हंग्री. मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं थका हुआ हूँ. आई मेयरली सेड दैट आई वॉज टायर्ड. आई मेयरली सेड दैट आई वॉज टायर्ड. इतनी सी बात थी सिर्फ. राधा तो मेरे नाम से ही चिढ़ जाती है. नाम से ही चिढ़ जाती है. जब हमें ऐसा कुछ कहना हो कि वो तो मेरे नाम से ही चिढ़ जाता है, तो उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं. जैसे हमें कहना है राधा तो मेरे नाम से ही चिढ़ जाती है. राधा इज रिपल्स्ड इवन बाय माय नेम. राधा इज रिपल्स्ड यानी रिपल्स कर देता है मेरा नाम उसको. उससे वो चिढ़ती है, उसको अच्छा नहीं लगता. रिपल्स का एक और मीनिंग होता है अटैक का. जब आप अटैक को रिएक्ट करते हो ना, किसी ने अटैक किया और उसका आपने रिएक्शन दिया, बदले में आपने भी अटैक किया, तो उसको भी रिपल्स करना कहते हैं. जैसे मैंने अटैक को रिपल्स किया. आई रिपल्स्ड द अटैक. आई रिपल्स्ड द अटैक. उसकी यादें मुझे आज भी काटती हैं, मुझे आज भी चुभती हैं. जब हमें ऐसा कहना होता है तब हम हॉन्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी. हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी. उसकी मेमोरीज अभी भी मुझे हॉन्ट करती हैं.
उस दिन की मेमोरी, उस दिन जो भी हुआ था वो चीज़ मुझे आज भी काटती है, आज भी मुझे चुभती है. द मेमोरीज ऑफ दैट डे स्टिल हॉन्ट मी, द मेमोरीज ऑफ दैट डे स्टिल हॉन्ट मी. तो कोई चीज़ हॉन्ट करती है मतलब वो बार बार परेशान करती है, बार बार आपको याद आती है, काटती है इस सेंस में. वैसे हॉन्ट का एक और मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे भूत का साया है तो हम कहते हैं दिस प्लेस इज हॉन्टेड, तो ये इसी हॉन्ट से बना है हॉन्टेड. हॉन्ट करना मतलब जैसे यहाँ पे भूत का साया है सो दिस प्लेस इज हॉन्टेड, तो इस तरीके से भी हॉन्ट का यूज़ होता है, आप समझ गए होंगे. मुझे तो जिस संगत में वो रहता है ना वो कतई नहीं पसंद. तो इसको कह सकते हैं आई डोंट लाइक द कंपनी ही कीप्स, आई डोंट लाइक द कंपनी ही कीप्स. जो कंपनी वो रखता है, कंपनी का मतलब यहाँ पे संगत से है, जिस संगत में वो रहता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. वो बुरी संगत में पड़ गया, ही गॉट इन टू बैड कंपनी, ही गॉट इन टू बैड कंपनी. हम किसी को कह रहे हैं बुरी संगत में मत पड़ जाना, डोंट गेट इन टू बैड कंपनी, डोंट गेट इन टू बैड कंपनी, क्योंकि एक बुरी संगत आपको नुकसान ही पहुँचाती है सिर्फ. अ बैड कंपनी जस्ट हार्म्स यू, अ बैड कंपनी जस्ट हार्म्स यू. इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है. इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर, बाय.